हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 का रियल नंबर स्टार्ट कराने जा रहे हैं। क्लास 10 रियल नंबर, ओके। ये आपका स्टार्टिंग चैप्टर है रियल नंबर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में सारी नॉलेज स्टार्टिंग से होनी चाहिए आपको। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कराने जा रहे हैं। आपको पता है जब स्टार्टिंग में आए थे तो नंबर हमारे पास केवल एक ही थे जिन्हें हमने नेचुरल नंबर, यानी ऐसे समझ लो प्रकृति से जो नंबर मिले स्टार्टिंग सबसे पहले, तो उसे हमने समझा था नेचुरल नंबर, लाइक 1, 2, 3, 4, सो ऑन। इनको हमने समझा था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इनको हम एन से डिनोट करते हैं, ओके। अगर अब हम इसमें ये बोल रहे हैं, अगर आपसे करेक्ट क्वेश्चन पूछी जाए तो कुछ क्वेश्चन में बोलते हैं कि ऑल द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विद इनफिनिटी। इनफिनिटी यहाँ पे आप इनफिनिटी का ये साइन लगा सकते हो। इनफिनिटी का मतलब है कभी खत्म होने वाला, ओके। ऑल द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विद इनफिनिटी, ऑल आर नेचुरल नंबर। बट अदर पर्सन इज आस्किंग दैट ऑल द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विद इनफिनिटी, देन व्हाट इज 3.4। हम ये देख रहे हैं कि 3.4 किसके बिटवीन में आ रहा है कहीं भी, ठीक है। बट ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, बट फिर पूछ लिया फिर आप आंसर क्या दोगे? ये दैट इज आपकी रॉन्ग हो गई। ये ऑल द नंबर्स एंड स्टार्टिंग विद 1 एंड एंड विद इनफिनिटी ऑल द नेचुरल नंबर। सो नाउ आप इस डेफिनेशन को करेक्ट करके आप बोल सकते हो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो ये आपकी करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। How? Like, other person is asking that how many fingers in my hand? You can't say 5. You can say that 1, 2, 3, 4, 5. 5. You can't say 5.5 and 3.4, okay? How many students inside your class? You say that 25, 40, 30, like that, okay? आप ये नहीं कह सकते कि 30.5 स्टूडेंट क्लास के अंदर हैं, नहीं कह सकते ना, ओके। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये आपकी क्या होगी करेक्ट डेफिनेशन होगी नेचुरल नंबर्स की, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आरवट दिया गया। सबसे पहले तो आपके पास ये काउंटिंग थे, उसके बाद आरवट दिया गया। आरवट ने क्या कर दिया था, जीरो हमें सर्च करके दे दिया, ओके। जीरो सर्च करने के बाद इसमें अगर हम जीरो से ये नंबर सारे सारे क्या हो जाते हैं कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर मतलब होल नंबर, होल। If we add zero with natural number for whole numbers, whole numbers, ये आपके whole numbers होंगे, ठीक है? क्योंकि natural number आपके ये 1, 2, 3, 4, 5 अब तक ये लिख पा रहे हैं, जैसे 100 लिख रहे हैं, उसमें problem आ रही है। आरबीटी ने जब zero दे दिया तो 100 भी लिख पा रहे हैं, 1 भी लिख पा रहे हैं, सारा कुछ लिख पा रहे हैं। तो इन्हें हमने बोले हम whole numbers, क्योंकि हमारे पूरे number बन रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे सी लेवल से जब ऊपर अबव जा रहे हैं, अबव सी लेवल, तो हम इजीली सारा डिसाइड कैलकुलेट कर ले रहे हैं। बट सी लेवल से जब डाउनवर्ड्स जाएंगे वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसके साथ हमने ले लिया नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, ओके, ओके। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, सारे का सारा अगर इस सिस्टम को हम ऐड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स, इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हमारे पास इस टाइप के नंबर आ गए जो फ्रैक्शन में भी थे, डेसिमल में भी थे, नेगेटिव भी थे, जीरो और नेचुरल नंबर, सारा का सारा इकट्ठा हम एक जगह सारा कलेक्ट कर लिया 1.3 डेसिमल नंबर, 3/4 फ्रैक्शन नंबर, इसका टाइप नंबर 1.333 नॉन रिपीटिंग, ओके, नॉन रिपीटिंग नंबर है, सॉरी रिपीटिंग, रिपीट तो है, रिपीटिंग नंबर तो है बट नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहे, टर्मिनेटिंग हो रहा। तो इस नंबर को भी हम किसमें रखते हैं, इसमें रैशनल, ओके, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, ओके। सो ये सारा ग्राफ किसका होंगे, रैशनल नंबर।
रैशनल, अगर हम रैशनल एंड दूसरे नंबर होते हैं कौन से, इरेशनल, इरेशनल इरेशनल नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते, नंबर्स वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू और आर इरेशनल नंबर, ओके, और आर इरेशनल नंबर लाइक रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव, ओके, डॉट डॉट और इस टाइप के नंबर। जैसे हमारे पास ये है 1.3333, यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग नंबर है बट नॉट टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा। इसी टाइप से हमने ले लिया 1.03003003, ये हमारे किस टाइप का नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये हमारा किस टाइप जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हम रैशनल एंड इरेशनल दोनों टाइप के नंबर को हम अगर ऐड करते हैं वो बन जाता है आपका रियल नंबर, क्या बन जाता है, रियल नंबर, रियल नंबर बन जाता है, ओके। अगर रियल नंबर, वैसे आपको नाम से पता चलता है रियल नंबर जो एक्चुअल नंबर होते हैं, और एक टाइप के नंबर और हैं वो कौन से हैं, रियल नंबर वो दूसरे हैं, इमेजिनरी नंबर, राइट, इमेजिनरी नंबर, इसको हम अलग ले लेते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। जैसे ही आपको नाम से पता पड़ रहा है इमेजिनरी मतलब, इमेजिनरी नंबर मतलब एक तरह से इमेजिन कर लेते हैं, एक्चुअल को होते नहीं, उनको हम जब 11th क्लास में जाते हैं 11th क्लास में तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट माइनस फोर, क्या स्क्वायर रूट फोर को हम बात कर सकते हैं, स्क्वायर रूट माइनस फोर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम होगी, जैसे प्लस टू स्क्वायर करेंगे क्या होगा, फोर, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर, प्लस टू स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट फोर होगा। अगर इसका मतलब हो गया जब हम स्क्वायर रूट फोर को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस टू आएगा, ओके। अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो क्या आएगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस टाइप नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ओके। अगर दोनों टाइप के नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, क्लास 9th में देखा जाइए, क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम, राइट। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड कर लें, इन दोनों सारा का सारा पूरा डायग्राम ऐड कर लें तो इसको बोल देते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ओके। नंबर सिस्टम में ये सारा का सारा आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इन दोनों को ऐड कर दिया, रियल नंबर हो गया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर सिस्टम बन जाएगा जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर ये सारा का सारा नहीं पता तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ओके। उसके बाद हमें केवल क्लास 9th के चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, रियल नंबर, ओके। तो हमें क्या पढ़ना है, रियल नंबर, ये नंबर से पढ़ना है, रियल नंबर एक्चुअल में जो होते हैं, यानी जिसमें आपके रैशनल इरेशनल ये सारे टाइप के नंबर आ जाए, ओके। सो अब इसको इस डायग्राम, इस ग्राफ से ना देख के दूसरे ग्राफ से भी देखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो।